गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अंगणितीय समस्याएं। ठीक है, क्या अंगणितीय समस्याएं? ये रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, चलिए। कुत्तों तथा ये क्वेश्चन है, यानी कि टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट, यानी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कुत्तों तथा कौवों के एक झुंड में पैरों की संख्या, मुंडियों की संख्या, यानी सिरों की संख्या, मुंडी कहते हैं सिरों को। ठीक है, मुंडी कहते हैं सिरों को, किस संख्या के दुगने से 20 अधिक है? कुत्तों की संख्या क्या है? ठीक है, कुत्तों की संख्या क्या है, कैसे देखेंगे? देखो, कुत्तों, ध्यान रखना, K4 कुत्ते। ठीक है, कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है, 4 पैर होते हैं ना। कौवों के कितने पैर होते हैं? 2। ठीक है, 2 ही पैर होते हैं ना। और कौवों को मतलब क्या लिख लेंगे? सी लिख लीजिए, क्रो। ठीक है, और इसे डॉग लिख लीजिए। ठीक है, D4 डॉग और C4 क्रो। चलिए, अब ये क्या कह रहा है? कौवों के एक झुंड में पैरों की संख्या की मुंडियों की संख्या के दुगने से। अब मुंडियों की संख्या क्या है? X+Y, क्योंकि मुंडी तो दोनों के एकक ही होगी। ठीक है, कुत्ते के भी, ऐसा नहीं कुत्ते के 2-4 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुत्ते के भी एक होंगे, और किसके? क्रो के, यानी कि आपके कौवे के भी एक ही होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखना, ये चीज हमने बना ली है। ठीक है, पैरों की संख्या, और ये बना ली हमने मुंडियों की संख्या। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मुंडियों की संख्या के दो गुने। अब देखिए, मुंडियों की संख्या के दो गुने, ठीक है, यानी कि ये अधिक है, पैर अधिक दे रहा हो। ठीक है, कि मुंडियों की संख्या के दुगने से 20 अधिक है, तो हम क्या करेंगे? इसको तो दुगना करेंगे, क्योंकि 20 अधिक भी है, तो हम 20 अधिक इसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैर इतने अधिक है, अगर मुंडियों को हम 2 से गुना करें और उसमें 20 जोड़े, तब जाके इसके इक्वल होंगी। ठीक है, ये दोनों हमें इक्वल करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर दोनों में दो कॉमन है ना। ठीक है, तो 2 से और यहां आ जाएगा 10। ठीक है, 2 से 10, यहां से 2, ठीक है, यहां से 1। ठीक है, यानी कि 2D+C, ठीक है, इजकल टू यहां कितना है? D+C+10। ठीक है, 10। अब देखिए, इस D को इधर लाएंगे तो एक D बचेगा। ठीक है, C को लाएंगे तो C से C कट जाएगा। D बराबर क्या है? 10। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पार्टी में 8 लोग आए। ठीक है, 8 लोग आए। ठीक है, 8 लोग आए, सभी ने सभी के साथ हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिला। ठीक है, तो 8-1, ठीक है, 8-1/2, 2 से 4, और 8 में से 1 गया, कितना आया? 7, और 7 चौक 28। ठीक है, 4×7=28, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए चलिए, इसमें एक चीज और मैं बता दूं यहीं पे। ठीक है, यदि इस तरह से दे दिया जाए, क्या इसमें दे दिया जाए कि 28 बार हाथ मिले, एक पार्टी में कुछ लोग आए, माने कुछ की जगह मैं एक्स रख लूं। ठीक है, कि कुछ लोग आए, सभी ने सभी के साथ हाथ मिलाया, कुल 28 बार हाथ मिले, तो हमारा जो है मतलब कितने लोग आए वहां पर। ठीक है, कितने लोग आए, तो हम करेंगे x·(x−1)/2=28। ठीक है, = 28, ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने यहां पे रखा है। ठीक है, अब देखिए, ये 2 उधर जाएगा, ठीक है, 2 उधर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x², ठीक है, −x = 28 दूनी कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56। ठीक है, 28 दूनी 56। देखिए, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। कैसे? 4×7=28, यानी कि बड़ा फैक्टर, ठीक है, और छोटा फैक्टर,
ठीक है, बड़ा फैक्टर और छोटा फैक्टर। ठीक है, हम देखेंगे इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ दें, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं। तो यही आंसर होगा, 7 और 1 8, 8 लोग आए। ठीक है, और आगे मैं बता दूंगा अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, इस टाइप का। चलिए देखिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, मैंने इसी तरह का ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये कह रहा 66 बार हाथ मिला, एक पार्टी में 66 बार हाथ मिला, कुल वहां पर कितने व्यक्ति थे? हर किसी से हाथ मिला, यानी कि सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो 66 बार मिला। हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, तो 11 छिंग, यानी कि 11 छिंग 66, ठीक है, यही होगा ना, 1 11 और 1 66। हम इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको 2 से गुना कर देते हैं, क्या ये दोनों इक्वल आते हैं? 6 दूनी 12 और 11 और 1 12, ठीक है, दोनों बराबर है, तो भैया 12 लोग आए वहां पर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप आता है आपका इस तरह से कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, ये थर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट है, यहाँ पर 4 7 9 ये इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से दिया हुए हैं। अब देखिए, ये पूछ रहा, ये कह रहा है कि 100 लोगों पर ये सर्वे हुआ है, 100 लोगों पर, और परीक्षा कितने ने दी? 500 ने, ठीक है, 500 लोगों से तो हम नहीं मिल सकते थे, लेकिन हम 100 लोगों से मिले उनमें से, ठीक है, ऐसा ही छाट छाट के मिले, सबसे मतलब 100 लोगों से मिले, फर्स्ट या लास्ट या बीच के या जो भी थे, मतलब जैसे मिलते रहे वैसे ही हमने 100 लोगों पर परीक्षण किया, ठीक है, टोटल 500 विद्यार्थी थे। ये कह रहा है कम से कम 2 विषयों की परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी, ठीक है, तो हम 2 विषयों की परीक्षा निकालते, देखिए 2 विषयों में एक तो 7 है, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, ठीक है, कितना? 7, ठीक है, दूसरा इधर देखो, फिर 2 आ रहा है 1 और 3 में, ठीक है, फिर हमारा यहाँ आ रहा है इसमें सेकंड में और थर्ड में 6, ठीक है, प्लस 6 कितने लोगों में से? 100 लोगों में से, ठीक है, और कितने थे टोटल? 500, कितने थे? 500, 2 0 2 0 खत्म, तो 7 2 9 6 9 6 15 और 15 5 75, यानी कि 75 लोगों ने जो है दोनों सब्जेक्टों की, दो सब्जेक्टों में जो है परीक्षा दी थी, या तो वो इसमें और इसमें दी, या इसमें इसमें दी, या इसमें इसमें दी, ठीक है, यानी कि इस तरह से दी, यानी कि 75 कुल मिलाकर 75 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दो सब्जेक्टों की परीक्षा दी थी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप आपका, ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रम से 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर और 6 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर और 6 मीटर है। बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए विकिन के साथ भागती है, विकिन कोई लड़का नहीं है, ठीक है, विकिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, विकिन बताया था, इसे विकिन बोलते हैं, ठीक है, इसे विकिन बोलते हैं, पकड़ने के लिए विकिन के साथ भागती है, वह कितने मीटर भागी? तो देखो कितने मीटर भागी, यहां 8 है लंबाई इसकी, चौड़ाई कितनी है? 6 है, ठीक है, इसे 8 लिख लीजिए, इसे 6 लिख लीजिए, सॉरी इसे जो है 6 यहां पर और 8 यहां पे लंबाई, ठीक है, ऊपर भी इतनी होगी, इधर भी इतनी होगी, ठीक है, लेकिन सारी साइडों को नहीं लिखते हैं, ठीक है, सारी साइडों को नहीं लिखते हैं, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको पता होना चाहिए ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये 90 का एंगल बनाएगी, तो ध्यान रखो 8 8 64, क्योंकि हमें विकिर्ण ज्ञात करना है, यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो 8 8 64 और 6 6 36 और 64 और 36 को जोड़ो, 64 और 36 को जोड़ोगे बराबर 100 आ जाएगा, और 100 का अंडर रूट क्या होगा? ठीक है, 100 का अंडर रूट क्या होगा? 10 मीटर, यानी कि वे 10 मीटर भागी, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। मेरे पैरामीटर एंड एरिया वाली वो वाली वीडियो अगर देख लोगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, ठीक है, कितने 10 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है, ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो की औसत आयु 20 है, ठीक है, तो इनकी आयु कितनी थी? तो 10 20, क्योंकि दो लोग हैं तो 20 दूनी 40, ए और बी की आयु कितनी थी? 40, ठीक है, 40 वर्ष, ठीक है,
और औसत निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, 40 आ जाएगा, ठीक है। थी अब आज की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसमें से हम 10 वर्ष इसकी निकाल दो, 10 वर्ष इसकी निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी 10 वर्ष पहले की है ना, तो इसमें 10 जुड़ेंगे और 10 घटेंगे, यानी कि 10 इसमें और 10 इसमें, ठीक है, जोड़ देंगे तो अब की आयु आ जाएगी भाई 40 वर्ष कब थी, 10 वर्ष पहले थी, अब कितनी है, तो 20 और जुड़ेंगे 10 इसकी 10 इसके, दोनों की एज 10 10 साल और बढ़े ना ये, तो कितनी होगी हमारी 20 साल हो गए 60 साल, ठीक है, 60 वर्ष, कितनी होगी 60 वर्ष, अब जो इनकी आयु है दोनों की वो 60 वर्ष है। अब आज की बात चल रही है तीनों की, ए बी सी, कोई सी भी मिल गया इनके साथ में, ठीक है, ए बी सी क्या है 30 वर्ष है औसत आयु, ठीक है, औसत आयु 30 वर्ष है, तो तीनों की कितनी हो गई आज की 30 या 90 हो गई, नहीं होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, ठीक है, तो इस इन दोनों की निकाल दो इसमें से, 60 कितनी बची 30 बची, ठीक है 30 बची, और आज की सी की आयु कितनी हुई 30 वर्ष, ठीक है, आज की सी की आयु कितनी हुई 30 वर्ष, और 5 वर्ष बाद की कह रहा है ये बाद की, ठीक है, 5 जोड़ दीजिए इसमें कितने हुए 35 वर्ष, यानी कि सी 35 वर्ष का होगा, ठीक है, सी 35 वर्ष का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,